जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और जैसे कि आपने कुछ वीडियोस देख लिए होंगे, तो उसकी फुल वीडियो आपको कल सुबह जो है मिल जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ना चल नहीं रही है। 2 दिन से जगे हुए हैं हम लोग 3 और 4 तारीख से, तो इस वजह से आज थोड़ा सा रेस्ट में गए और वीडियो में बना नहीं पाई। तो जो भी सीक्रेट था वो कल आप सबके सामने पूर्ण रूप से खुल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कल सुबह जल्दी ही मैं आप सबके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि अब आपने इतना इंतज़ार किया है तो पूर्ण रूप से पूरा खुलासा कल सुबह हो जाएगा। लेकिन ये सच है, बहुत से भक्तों ने लिखा है कि आप पर राधा कृष्ण की बहुत कृपा है, सिर्फ मुझ पर नहीं है, इस पूरे परिवार के साथ साथ आप सब पर भी बहुत कृपा है। जितने भी सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब पर कान्हा जी और राधा जी की इतनी कृपा है कि आप सब उनकी साक्षात लीलाओं के साथ साथ आप उनकी उन लीलाओं को भी अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, जो शायद ऐसा ही कुछ पहले हुआ होगा। वो साक्षात लीलाएं हमारे साथ संपूर्ण हो रही हैं, और आप सबका सौभाग्य इतना है कि ये चैनल बिना किसी स्वार्थ के ये चैनल बना गया। इस चैनल को बनाने वाले भी स्वयं मेरे लाला और लाली हैं, जिन्होंने इस चैनल को, मतलब ये मेरे पास जो भी चीज़ आई कि ये कैसे चैनल बन गया, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इससे मेरा कोई भी मुझे कुछ पता ही नहीं। ये सब 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 ये वो मतलब कार्य है, शायद इस कार्य के द्वारा बहुत से भक्तों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चले, वो बहुत सारे संदेश हैं शायद आप सब तक पहुँचे कि प्रभु से प्रेम करना कितना सुंदर है। लेकिन ये सुंदर कब है? जब आपकी आत्मा सुंदर है। आपके सुंदर होने से कुछ नहीं है है ना? क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये तो जाना है, तो इसकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि सभी बहुत भाग्यशाली हैं, सिर्फ हम नहीं। और मैं उसका पूर्ण ध्यान रखती हूँ कि मैं आप सब तक वो सारी लीलाएं, जो कुछ गुप्त लीलाएं हैं, उनके लिए मैं नहीं आगे कह सकती हूँ, क्योंकि उनको बता पाना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, तो मेरे भी हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी हर लीला आप तक पहुँच रही है जो कि पहुँचनी चाहिए, जिससे आप सबको वो शिक्षाएं भी मिलें, हमारे इस सनातन धर्म को आगे बढ़ने की पूर्ण रूप से जो प्रभु चाहते हैं कि हमें वास्तव में जीवन में कैसे खुश रहना है, बहुत छोटे छोटे तरीकों से, है ना? सबको प्राप्त हो ही रहा है, सब बहुत खुश है। भक्ति किसकी बड़ी किसकी छोटी, ये बहुत तुच्छ बात है, क्योंकि भक्त हमेशा से ही उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि वो शून्य है, शून्य ही है, हर कोई उससे बहुत आगे है ना? चलिए, अब ये बात हो गई, तो आप सबकी इस उत्सुकता के लिए आप सबने इतना धैर्य रखा है, तो कल आपको वीडियो मिलेगी और सारा सीक्रेट भी आपको कल ही ज्ञात हो जाएगा, कल क्या है, कैसे है। और कोशिश करूँगी सुबह जल्दी आप सबके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, और सभी के बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आए, मैंने सभी कमेंट्स को पढ़ा है, तो सभी का दिल से आभार, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। ऐसे ही कृष्ण भक्ति के साथ अपने जीवन को जिए, हर मतलब किसी भी चीज़ में कोई रोक नहीं है, अच्छे से अपने जीवन को जिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशी और प्रेम ही जीवन है ना? तो अब मैं
यहाँ पर ही विराम दूंगी, गला बहुत बैठा हुआ है। ठीक है, तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।